यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज से लिंक एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। आज से प्रयागराज से आज से ये लिंक एक्सप्रेस चलेगी, देहरादून और प्रयागराज के बीच लिंक एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। त्योहारों के सीजन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लिंक एक्सप्रेस का संचालन अब आज से शुरू हो जाएगा। आज से लिंक एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा, आज प्रयागराज से लिंक एक्सप्रेस चलेगी, देहरादून प्रयागराज के बीच चलेगी ये लिंक एक्सप्रेस। हफ्ते में 3 दिन देहरादून से चलेगी लिंक एक्सप्रेस, मंगलवार गुरुवार शनिवार को देहरादून से चलेगी लिंक एक्सप्रेस, जबकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रयागराज से लिंक एक्सप्रेस का संचालन होगा। आज बुधवार है, ऐसे में आज प्रयागराज से देहरादून के लिए लिंक एक्सप्रेस रवाना होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, त्योहार के सीजन को देखते हुए आज से लिंक एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी मिल गई है। रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, कितनी राहत की बात है लोगों के लिए जो लिंक एक्सप्रेस का संचालन आज से हो रहा है, और किस वक्त ये देहरादून पहुंचेगी? जी देखिए, लिंक एक्सप्रेस तमाम ऐसी ट्रेनें थी जो बंद पड़ी हुई थी और धीरे धीरे उनका संचालन शुरू हुआ है। अब त्योहारी सीजन को देखते हुए जहां और ट्रेनों का संचालन शुरू है, वहीं लिंक एक्सप्रेस की भी अनुमति मिल गई है। देहरादून प्रयागराज के बीच जो है लिंक एक्सप्रेस चलती है 11 नवम्बर आज से, और ऐसे में प्रयागराज का लिंक एक्सप्रेस जो है चलेगी और कल जो है वो देहरादून पहुंचेगी। तो जो इसका शेड्यूल रहेगा, मंगलवार गुरुवार और शनिवार को देहरादून से प्रयागराज, यानी कि देहरादून से जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वहाँ यहाँ से यात्री जा सकेंगे। और इसके साथ ही प्रयागराज से अगर हम बात करें तो सोमवार बुधवार और शुक्रवार इन 3 दिनों में देहरादून के लिए लिंक एक्सप्रेस आएगी। तो सीधे सीधे त्योहारी सीजन में जिस तरीके से लोगों की आवाजाही बढ़ी है, ऐसे में लिंक एक्सप्रेस का संचालन जो शुरू हुआ है इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। लेकिन एक चीज और भी बता दूं कि फिलहाल इसके संचालन सिर्फ 1 महीने के लिए ही किया गया है। 1 महीने के बाद, 1 महीने तक इसका ट्रायल रखा गया है, 1 महीने बाद इसका संचालन बंद किया जाएगा। लेकिन क्या होगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन त्योहारी सीजन में लिंक एक्सप्रेस सिर्फ 1 महीने के लिए अभी खोली गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।